सेप्सिस डे के हवाले से आज आप लोगों से मुखातिब हूँ। मकसद इस सेशन का ये है कि सेप्सिस के बारे में आपको अवेयरनेस दी जाए कि सेप्सिस क्या चीज़ है। 13 सितंबर को वर्ल्ड वाइड सेप्सिस का डे मनाया जाता है। और सेप्सिस जो है बेसिकली जब भी कोई इन्फेक्शन बॉडी के अंदर एंटर होता है, चाहे वो बैक्टीरियल हो, वायरल हो, चाहे वो सांस की नाली का इन्फेक्शन हो या पेशाब की नाली का इन्फेक्शन हो या स्किन का कोई इन्फेक्शन हो, तो जिस्म उसके खिलाफ मुदाफियत पैदा करता है। कभी कभी ये मुदाफियत इस हद तक शदीद होती है कि उससे बॉडी को ख़ुद नुकसान होना शुरू हो जाता है, और इसको हम मेडिसिन की इस्तेलाह में सेप्सिस बोलते हैं। इसको आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? अगर आपका इन्फेक्शन बहुत शदीद नोयत का है, आपको बहुत शदीद बुखार है, सांस की रफ्तार तेज़ हो रही है, या मरीज़ में कन्फ्यूजन का पैदा हो जाना या ब्लड प्रेशर का ड्रॉप हो जाना, ये इस चीज़ को ज़ाहिर करते हैं कि मरीज़ सेप्सिस की तरफ जा रहा है। और इसके लिए बेहतरीन जो हल है वो यही है कि आप फौरन मरीज़ को अस्पताल पहुँचाएँ ताकि वहाँ पे इसका फौरन इलाज किया जा सके। सेप्सिस से एक अंदाज़े के मुताबिक 50% लोग जो है वो मर जाते हैं कि अमवात होती है। और इसकी ट्रीटमेंट जो है वो बेसिकली यही है कि अर्ली इसकी डिटेक्शन की जाए और अर्ली इसकी ट्रीटमेंट की जाए। इसकी प्रिवेंशन इस तरह से मुमकिन है कि सबसे पहले तो आप इन्फेक्शन की प्रिवेंशन करें, मतलब आप हाइजीन का ख्याल करें, सफाई का ख्याल रखें, जिन वैक्सीनेशन की जब ज़रूरत पड़े तो वैक्सीनेट कराएं, और जब बुखार हो जाता है तो उसको हल्का न लें, और अगर उसमें इस किस्म की अलामात पैदा हो जाती हैं जो कि शदीद अलामात हैं तो आप फौरन अस्पताल से रुजू करें।